हे एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैंपस दर्शन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप तीन तरह से एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली तीन क्राइटेरियाज हैं, या तो रेगुलर के अंदर जिसमें आप डेली कॉलेजेस अटेंड कर रहे हैं, या फिर NCVAB के अंडर। अब NCVAB में क्या होता है कि सैटरडे संडे को आपकी क्लासेस लगती हैं, बट इसमें एक लिमिटेशन ये रह जाती है कि बस दिल्ली NCT एरिया की जो गर्ल्स हैं, जी हाँ, बस वही एडमिशन ले सकती हैं। या फिर आपके पास एक NCVAB के तरह ही एक ऑप्शन रहता है SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ड्यू सोल के बारे में कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे कैसे रहता है और पूरा एडमिशन प्रोसीजर क्या है। सोल की कट ऑफ्स नहीं रिलीज़ होती, हर एक कोर्स का अपने एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो तो आप फॉर्म को फिल करोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे एंड बस आपका एडमिशन हो गया। जी हाँ, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद बस आपको अब ये देखना है कि स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन लेना है या फिर आपको ऑफलाइन जाके लेना है। तो हाँ, मेनली यही प्रोसीजर है। अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ, कोर्सेज बता देती हूँ, तो अंडर ग्रेजुएशन में आपके BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स इन इंग्लिश, पोल साइंस, ये तीनों कोर्स रहते हैं इन आर्ट्स कैटेगरी। कॉमर्स कैटेगरी में BCom एंड BCom ऑनर्स का कोर्स आपको मिलेगा। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं फ्रॉम SOL तो MA इन हिंदी, हिस्ट्री, पोल साइंस, संस्कृत एंड MCom का ऑप्शन आपको मिलता है। तो ये 10 कोर्सेज हैं, 5 UG कोर्सेज एंड 5 PG कोर्सेज। इसके अलावा फ़ीस जो है वो आपकी 4-5 हज़ार के बीच में रहती है। 5 हज़ार से ज़्यादा फ़ीस बहुत कम कोर्सेज की है, तो 4-5 के बीच में रहती है आपकी फ़ीस। एंड अगर बात करी जाए तो 2 सेंटर्स हैं, नॉर्थ कैंपस का एंड साउथ कैंपस का। नॉर्थ कैंपस का सेंटर ऑब्वियसली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास नॉर्थ कैंपस वाले एरिया में है। सैटरडे संडे को आपकी क्लासेस लगती हैं, अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो अटेंड करो क्लासेस, नहीं है मन तो मत करो। ऐसी कोई मिनिमम अटेंडेंस आपको मेंटेन नहीं करनी, क्योंकि ऑब्वियसली आप ओपन से पढ़ रहे हैं। बेस्ट क्यों है, क्या बेनिफिट्स हैं सोल से ग्रेजुएशन करने के और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, दोनों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले बेनिफिट्स जान लेते हैं। एक तो अगर आप कोचिंग के स्टूडेंट हो, अगर आप CA की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, या फिर ऐसे ही किसी और आप कोई जॉब कर रहे हो, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते, तो ये एक अच्छा वे है कि आपकी ग्रेजुएशन साइड बाई साइड चलती रहेगी। काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है आपके पास। आपका कॉलेज सैटरडे संडे को मन करा तो जाइए, वरना आप घर पे पढ़ लीजिए एंड एग्ज़ाम दे के अपनी ग्रेजुएशन साथ साथ करते रहिए। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो इसकी डिग्री की वैल्यू थोड़ी सी कम है, अगर बात करी जाए तो फ्रॉम रेगुलर डिग्रीज की से। आप कॉलेज लाइफ नहीं रहती बिल्कुल भी, क्योंकि तो हाँ, ये दोनों डिसएडवांटेजेस थे। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते, तो सोल आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करी जाए कि कैसे कैसे रहता है, तो मैं इंग्लिश ऑनर्स का बता देती हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 65% होने चाहिए। जी हाँ, अब 65% इतने मुश्किल नहीं है, आपके आए ही होंगे क्लास 12th में। अगर आपकी इंग्लिश कोर लैंग्वेज थी तो आपके 75% मार्क्स होने चाहिए उसमें, और अगर इंग्लिश इलेक्टिव थी तो उसमें 65%। तो आप इंग्लिश ऑनर्स में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, एज सच कोई कट ऑफ का सीन नहीं है जैसे कि रेगुलर में होता है। OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 58.5% चाहिए। SC ST से है तो बस पासिंग मार्क्स चाहिए और आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हर एक कोर्स का। आप लास्ट ईयर की जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें से चेक कर लीजिए, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। और इस बार के फॉर्म जैसे ही रिलीज होते हैं फॉर एडमिशंस 2021, आपको इस चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी रेगुलर के फॉर्म्स रिलीज़ हो चुके हैं, अगस्त के एंड में के एंड तक आपके सोल के फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे, तो आप उन्हें फिल कर सकते हैं एंड SOL में एडमिशन ले सकते हैं।
होपफुली ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।